नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हिसार के बरवाला कांड को लेकर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों और सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने प्रदेश सरकार पर संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। वकील एपी सिंह ने तो न्यायपालिका पर भी अविश्वास जताते हुए कहा है कि कोर्ट में शिकायतकर्ताओं और गवाहों की भी सुनवाई तक नहीं हुई है। तो अब हम करने जा रहे हैं एक बड़ा खुलासा, क्योंकि नवंबर 2014 में संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम पर हुई पुलिसिया कार्रवाई पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने अब सवाल उठाते हुए इसे प्रदेश सरकार की सोची समझी साजिश करार दिया है। और इस मामले के 4 साल बीत जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने सरकार पर संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप भी लगाया है। आखिर माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा न्यूज पर होने जा रहा है बड़ा खुलासा। 4 साल पहले का मामला, लेकिन खुलासा सनसनीखेज। संत रामपाल जी के अनुयायियों ने सरकार पर लगाया आरोप। दरअसल साल 2014 में बरवाला की तस्वीरें जिसने भी देखी वो उसको भुला नहीं सका, जब पुलिस और रामपाल समर्थकों के बीच भिड़ंत हुई जिसमें 6 समर्थकों की मौत हुई थी। आप सोच रहे होंगे कि 4 साल पहले का मामला, लेकिन आज बात क्यों? तो हम आपको बताते हैं कि मामले के 4 साल बीतने के बाद इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने सरकार पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत 18 नवंबर को ही पूरी तरह से सतलोक आश्रम को ढा दिया। जो उसमें लोग थे, जो सत्संग सुनने आए हुए थे, भक्त फॉलोअर थे, उनको आंसू गैस के गोलों से, जिसमें से 1429/14 की झूठी FIR करके मारा भी इन्होंने भी, और उसको भी हम पे ही लगा दिया, मतलब उसमें फॉलोअर्स पे लगा दिया, रामपाल जी पे लगा दिया। इस तरह से ये पूरी बर्बरता पूर्वक किया गया, झूठे केस ला दे गए, आप सबके सामने है। राजनीतिक षड्यंत्र इसलिए क्योंकि अगर कहीं एक व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है तो मुख्यमंत्री महोदय जाते हैं, ऐसा हमारा, क्योंकि उनका राज्य है, राज्य की पालक हैं, जनता उन पर विश्वास करती है। क्या सतलोक आश्रम पर कभी मुख्यमंत्री जी ने विजिट करने का सोचा कि इतने लोग मरे, इतने मारे गए, क्या हुआ हम देखें? क्या उनका कोई मंत्री गया? आज बहुत से ऐसे मुद्दे आप हरियाणा में देख रहे हैं, इसी तरह के मंत्री जेल में भी उनसे मिलने जाते हैं, मंत्री जेल में उनसे जाते हैं, वो मंत्रियों से मिलने आते हैं, ये सब चल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये राजनीतिक षड्यंत्र पूरी तरह से। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 4 साल पहले बरवाला में हुई हिंसा मामले में आखिर जिम्मेदार कौन है? वहीं संत रामपाल समर्थक 6 लोगों की मौत के लिए सरकार और पुलिस को जिम्मेदार बता रहे हैं। साथ ही सवाल अब ये भी है कि क्या सरकार द्वारा जजों पर दबाव बनाया जा रहा है, जैसा समर्थक कह रहे हैं। खुलासा बड़ा है, लेकिन इस खुलासे के बाद की सच्चाई क्या पर्दे के सामने आ पाएगी, देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो खुलासा बड़ा है और इसी खुलासे को और पर्दे के सामने लाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर असल वजह क्या है और उस वक्त की क्या स्थिति थी और कैसे उन 6 लोगों की मौत हुई और असल में जिम्मेदार कौन है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको अपने खास पैनल से मिलवा देते हैं। हमारे साथ एपी सिंह जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। बहुत स्वागत है एपी सिंह जी आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ सतलोक आश्रम के समर्थक गिरीश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है गिरीश जी आपका। और भारतीय जनता पार्टी से नेता त्रिवेंद्र सैनी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। त्रिवेंद्र जी कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। सबसे पहले जो बड़े सवाल उठ रहे हैं एपी सिंह जी, आपसे ही शुरुआत करूंगा,
बहुत सारे आपने आरोप लगाए, आपने कहा कि सरकार ने उस वक्त षड्यंत्र के तहत संत रामपाल जी महाराज को फंसाया, क्या वो खुलासा है? देखिए बात बहुत सी साफ है, ये प्रकरण स्टार्ट कहां से हुआ है, कंट्रोवर्सी कहां से, पुलिस और सतलोक आश्रम की कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहां हुई? 2006 में करौथा आश्रम था, वहां करौथा आश्रम को केस होने के बाद हैंडओवर करने के लिए, फिर से 2009 में केस वगैरह होने के बाद 2009 में सतलोक आश्रम को हैंडओवर करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए, लेकिन उसमें उसको हैंडओवर नहीं किया गया, उसकी कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग चल रही थी। उस समय तत्कालीन एसपी थे वहां रोहतक में, आज जो कि वर्तमान में आईजी अनिल राव जी हैं, वो उस समय एसपी थे, तो उस समय उन्होंने हैंडओवर नहीं किया, कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग चल रही, वो लीगल पॉइंट है, अलग चल रहा है, ठीक है, लेकिन वही प्रोसीडिंग फिर यहाँ हुई। आपने देखा हाईकोर्ट में पेश करने के लिए चल रहा था, सतलोक आश्रम की तरफ से कमिटमेंट किया गया कि 19/11/14 को संत रामपाल जी पेश हो जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे हाईकोर्ट में। क्यों 19 को होंगे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, मैं मेडिकल डॉक्यूमेंट लेके आया हूं। ये मेडिकल डॉक्यूमेंट वो हैं जिनमें डीसी, जब ये कंट्रोवर्सी बढ़ रही थी, ये चर्चा थी कि संत रामपाल दास जी बीमार हैं या नहीं हैं, ये चीज थी, झूठ बोल रहे हैं या छिप रहे हैं, जानबूझ के नहीं पेश होना चाह रहे हैं, उसकी बहुत अच्छी पोजीशन थी। डीसी हिसार ने साफ तौर पर उस पोजीशन को क्लियर करने के लिए क्या सच्चाई है, कैसे रिस्पॉन्सिबल थे, डीसी हिसार ने एक 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया, 3 सीनियर डॉक्टर थे, सिविल हॉस्पिटल हिसार के डॉक्टर थे, तीनों डॉक्टरों ने एसएचओ बरवाला के साथ जाके संत रामपाल दास जी को उनके आश्रम में, क्योंकि संत का घर मकान एक आश्रम होता है, उसका परिवार खुद कुछ नहीं रहता, उसके फॉलोअर्स ही उसके परिवार के लोग होते हैं, उन्होंने जाके वहां एसएचओ बरवाला और 3 डॉक्टरों ने जाके मेडिकल चेकअप किया, मेडिकल चेकअप करने के बाद वहां देखा और वहां विस्तृत रिपोर्ट बना के दी, वो सारी रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन उस वक्त सरकार ने ये कहा, मैं एक चीज इसमें जोड़ दूं, सरकार का यहां पर ये कहना था कि वो सामने नहीं आ रहे थे, संत रामपाल जी महाराज सामने नहीं आ रहे थे, इस वजह से ये एक्शन लेना पड़ा। हाँ नहीं, ये एक्शन लेना पड़ा, चलिए नहीं सामने आ रहे थे ना, एनबीडब्ल्यू प्रोसीडिंग, कोर्ट की प्रोसीडिंग, देखिए कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, केस बना, बेल हुई, बेल रिजेक्ट हुई, अंततः बेल हुई, रिलीज हुआ, उसके बाद अपीयरेंस होना, ना पेश होना, बीडब्ल्यू होना, एनबीडब्ल्यू होना, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होना, भगोड़ा बन जाना, इनाम डिक्लेयर हो जाना, ये प्रोसीडिंग है। तो उस प्रोसीडिंग के तहत अगर वो नहीं पेश हो रहे थे, तो जब डॉक्टर्स ने, जो हिसार के डॉक्टर थे, प्राइवेट डॉक्टर नहीं थे, वो गवर्नमेंट हिसार सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, उन्होंने जाके कहा और थ्रू हिसार डीसी के द्वारा वो डॉक्यूमेंट भेजे गए, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि 19/11/2014 तक संत रामपाल दास जी को ट्रेवल करना, रास्ते में आना जाना और मिलना जुलना, टीवी अखबार देखना, ये सब कुछ बैन है, उनको दवाएं दी गई कि ये दवाएं लें, एक सेवादार हो उनके साथ रहे और उसके साथ उनका इलाज हो, 19 तारीख तक संभवतः उनकी स्थिति सही हो जाएगी, वो ठीक हो जाएंगे, फिर उन्हें पेश कर दिया जाएगा, वहां पेश कर देंगे उनको, ये चीज थी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो भी उस समय तत्कालीन एडवोकेट थे उन्होंने किया और वहां लगा, लेकिन उनकी बात को नहीं माना गया। उनकी बात ये है कि केवल इन्हीं को गिरफ्तार करने की बात क्या थी। अब हमारे देश में आप कहें, अगर बात कहें तो शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी भी हैं, उनके खिलाफ भी वारंट है, केस है, केस चलते हैं, सामाजिक जीवन में रहता है जो व्यक्ति, उस पर केस होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के लिए कभी किसी ने बात नहीं की, उनकी गिरफ्तारी के लिए कभी किसी ने आदेश ऐसा जारी नहीं किया, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बना, चलिए वो भी बात अलग रख देते हैं, अलग बात, लेकिन इसके बावजूद जब मेडिकल डॉक्यूमेंट आ गया और 19 को अपीयरेंस के लिए कह दिया गया, फिर ऐसे क्या कारण थे जो 16/11/14 और 17/11/14 को जो FIR 426/14 427/14 रजिस्टर्ड हुई, उस FIR में 18/11/14 की भी घटना नहीं हुई है, 16 और 17/11/14 को ही उस FIR में देशद्रोह की धाराएं लगा दी गई, उस पर्चे पे देशद्रोह की धाराएं लिखी हुई हैं जो मैंने कोर्ट को दिखाई थी, 426/14 427/14 के टाइम में, और सचो बरवाले से पूछा कि ये धाराएं क्या कहती हैं, उन धाराओं में उन्होंने कहा कि हाँ ये देशद्रोह की धाराएं थी, इसका घटना नहीं हुई, घटना होने से पहले भी 36 घंटा पहले, 48 घंटा पहले वो धाराएं लगा दी जो 18/11/14 को लगाई, इसलिए इससे सिद्ध होता है कि वो प्लान था, वो सुनियोजित था, जब घटना ही नहीं हुई 18/11/14 की, जब वो चीज ही नहीं हुई,
उस पर आपने उस समय 426/14 427/14 एफआईआर में वो धाराएं लगा दी कि अब हम देशद्रोह के लिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट तो उस समय नहीं था इनके पास। तो ये षड्यंत्र किसने रचा? चार्जशीट में डॉक्यूमेंट आया है तब वो बात क्लियर हुई है, अब वो बात उसमें क्लियर हुई है, तब पता चला कि ये तो पहले से लग रहा था इसलिए सुनियोजित, क्योंकि पहले से क्यों सोच लिया गया कि वहां देशद्रोह की धाराएं लगानी पड़ेंगी, पहले से क्यों सोच लिया? इसका मतलब 18/11/14 को इसलिए वो सारा कुछ घटना की गई जिससे कि 19 तारीख को अगर पेश हो जाएंगे, अपियर हो जाएंगे, तो फिर तो प्लान ही खत्म। तो षड्यंत्र रचा किसने आखिर, ये भी तो समझ में आए कि इस सबके पीछे था कौन? अब इस सबके पीछे अगर ऐसी बात थी, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी की पूरी अपनी जनता के साथ सिंपैथी थी तो उन्हें अपना कोई मंत्री वहां भेजना चाहिए था, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति। आज भी तो ऐसा होता है, वार्ताएं भी तो होती हैं, आंदोलन भी तो होते हैं, उन सब में बातें होती हैं, केस खत्म करने तक के आश्वासन होते हैं, वादे किए जाते हैं, लिस्ट जारी होती है, ये हमारी शर्तें, ऐसा कुछ उसमें नहीं। कबीर पंथ पर आधारित अपनी शिक्षा को चलाते थे, तो कबीर जी ने तो कहा, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जब उन्होंने इस पर चला तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्रियों को वहां पहुंचना चाहिए। देख, कोई एक मंत्री भेजते, कोई अपना सरकार का प्रतिनिधि भेजते कि समस्या है कहां, क्या बात हो रही, क्यों ऐसा? आप 40,000 पुलिसकर्मी हरियाणा के, चंडीगढ़ के लगा सकते हैं, उनको वहां डिप्लॉयड कर सकते हैं, पूरी उनकी लिस्ट लगी हुई है, लेकिन आपने कोई ऐसा कोई नेता, कोई मंत्री नहीं भेजा? कोई नेता मंत्री वहां भेजा जाना चाहिए। ठीक है, जरा इस सवाल का जवाब लेंगे त्रिवेंद्र जी से, लेकिन गिरीश जी एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने आपकी देखी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया था, बड़े बात आपने की थी, लेकिन अनिल राव का एक नाम यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, आखिर क्या वहाँ से शुरू होती है कहानी, क्या उनका रोल वहाँ नजर आता है? देखो जी, इसमें क्या है, सन 2006 से एक वृत्तांत चालू होता है जिसमें अनिल राव SP रोहतक थे, उन्होंने सन 2000 में कुछ असामाजिक तत्वों ने आर्य समाजियों का चोला पहन के आश्रम पर जो है हमला किया, करौथा आश्रम पे, और अनिल राव जो कि उस समय SP रोहतक थे उन्होंने उनका साथ दिया और संत रामपाल जी महाराज पर एक झूठा मुकदमा बना दिया। फिर 2009 में जब संत रामपाल जी महाराज तारीखों पर जाया करते थे, पेशी पे जाया करते थे, तो जो संगत, जो भगत, जो अनुयायी वहाँ पर जाया करते थे, SP रोहतक अनिल राव जी उनके साथ हाथापाई किया करते थे, महिलाओं की छाती पर हाथ मार के उन्हें धक्का मारा करते थे, और इस तरह का वृत्तांत चलता रहा। सन 2009 में हाई कोर्ट ने टाइम बाउंड करके करौथा आश्रम हमको सौंपा, संत रामपाल जी महाराज को सौंपा, तो उसको अनिल राव ने संत रामपाल जी महाराज को सौंपने नहीं दिया, जिसकी एक पिटीशन, जिसकी हमने कंप्लेंट हाई कोर्ट में डाली हुई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अनिल राव के खिलाफ, जो आज भी विचाराधीन है, उसका प्रतिशोध लेने के लिए 2014 में अनिल राव की ऑब्जर्वेशन में सारा काम चल रहा था। 19 तारीख तक संत रामपाल जी महाराज को बेड रेस्ट दिया गया था मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा, उसमें 18 तारीख को ही अनिल राव ने पुलिस प्रशासन लेकर सतलोक आश्रम पर हमला कर दिया। तो ये उसका प्रतिफल है, सारा जो सूत्रधार है वो अनिल राव, IG जो CID है, और सरकार उसमें बराबर की हिस्सेदार है, क्योंकि एक अधिकारी ने सरकार को गुमराह किया और सरकार भी उसी अधिकारी के कहने पर चली। बिल्कुल, यहाँ पर वही हो रहा है, क्योंकि एक सरकार, एक मुख्यमंत्री उस देश का, उस प्रदेश का जो है राजा होता है, अगर वहां पर कुछ गलत होता है तो वो बराबर का हकदार होता है। अनिल राव जो है लगातार कोरे कागज पर साइन करके अनुयायियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों पर लगातार झूठे मुकदमे बना रहा है, एक के बाद एक मुकदमे बनाए जा रहा है, देशद्रोह 302 जैसे संगीन अपराधों को, झूठे मुकदमों को संत रामपाल जी महाराज पर थोपा है, जिसमें अनुयायियों को अंदर किया है, जो कि फौजी भी थे, सरकारी कर्मचारी भी थे, किसान भी थे, शिक्षक भी थे, क्या ये देशद्रोही हो सकते हैं? जब सरकार को ये चीजें नहीं दिखाई देती कि भाई इस तरह के जो सभ्य व्यक्ति हैं, जैसे संत रामपाल जी महाराज की अगर हम बात करें तो उन्होंने लाखों करोड़ों परिवार को दहेज मुक्त किया है, नशा मुक्त किया है, तो ऐसे संत को जेल में डाल रखा है देशद्रोह का मुकदमा लगाने के लिए, जिस संत को हमें पलकों पर बिठाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये साबित करते हैं कि भाई अनिल राव, ये एक सहयोग नहीं है मात्र, मान लीजिए सन 2006 में जब अनिल राव जी ही सुपरविजन पे थे पुलिस ऑब्जर्वेशन में, और सन 2014 में भी, तो उसी टाइम पे झूठे मुकदमे क्यों बने संत रामपाल जी महाराज पर? ये मात्र सहयोग नहीं है, ये पूरी प्री प्लान साजिश है अनिल राव की और सरकार की, कि संत रामपाल जी महाराज जो सत्य का प्रचार करते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार साधना देते हैं, उनको किसी तरह से रोका जाए। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं त्रिवेंद्र सैनी जी, यह बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि सरकार की भूमिका एक अधिकारी के कहने पर बदल जाती है और उसके बाद सारी तस्वीर अलग हो जाती है। इनके वकील जो संत रामपाल जी के जो वकील AP सिंह जी हैं और जो
हमारे भाई अभी कह रहे थे, बात यह थी कि भाई जो 2009 में जो इन्होंने मामला जो कहा कि भाई ये सतलोक आश्रम जो है ये हैंडओवर करना था, संत रामपाल जी के हैंडओवर करना था, लेकिन वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बता रहे हैं कि भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इसमें क्योंकि पालना नहीं हुई ना, हाई कोर्ट के ऑर्डर की पालना नहीं हुई। ठीक है, अब सरकार का जब 2009 में तो भाजपा सरकार नहीं थी, 2009 में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उस समय से ही पुराना 2006 से 2009 से 2014 तक खींचा चला आ रहा था। जब माननीय सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय ने जब आदेश दे दिया कि भाई आपको कोर्ट में जो आपके खिलाफ जो दायर केस हैं आपको सुनवाई के लिए आना पड़ेगा, अब कोर्ट की सुनवाई के लिए तो संत रामपाल जी जा नहीं रहे थे, उन्होंने मैं आप बताना चाहूंगा आपको कि एग्जेम्पशन एप्लीकेशन लगी हुई थी और एक कानून में प्रावधान है कि जहां एग्जेम्पशन एप्लीकेशन लगी हुई है वहां पर जो है कोर्ट की तरफ से एग्जेम्प्ट किया जाता है पेश होने के लिए। हमें अपनी बात कहने का हक दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल कही आप। संत रामपाल जी के जो अनुयायी थे हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत वो नहीं था, ना हमारी सरकार की मंशा थी भाई इस प्रकार से, बिल्कुल। लेकिन जो अब कोर्ट के आदेशों की जो पालना करानी ये भी तो सरकार का दायित्व है, हमारे झूठे केस जो बनाए ये भी तो सरकार के, ये भी तो सरकार का अधिकार है, ये जो झूठे केस बनाए हैं ये भी तो सरकार का अधिकार है कि उनकी जांच करे, उन झूठे मुकदमों को वापस ले और या उन पुलिस अधिकारियों पर एक्शन ले, ये भी तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। त्रिवेंद्र जी एक चीज तो है कि अधिकारी के कहने पर यदि सरकार कोई एक्शन लेती है तो क्या ये गलत नहीं है? देखिए अगर कोर्ट के आदेशों की पालना करानी है तो सरकार को करानी ही है। कोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वो जो एसपी साहब के खिलाफ अब जो आईजी है अनिल राव जी का ये नाम ले रहे हैं, अब इनकी क्या कंट्रोवर्सी है, क्या उसमें मामला है, वो ये ज्यादा जानते होंगे उस विषय में। हमारी सरकार 2014 में बनी है, 2014 में से ये 14 आपके सरकार के दौरान, आपके सरकार के दौरान में ही ये सारी चीजें सामने आई हैं। देखिए हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें संत रामपाल जी को पेश होना था, वहाँ पे वो नहीं गए। 2014 में ठीक है, ठीक है, जरा एपीसी महाराज पर झूठे मुकदमे बने, ठीक है, सरकार ने क्या किया बार बार, जरा एपीसी की बात आ जाती है, भक्तों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। मैं अपनी बात इसमें ठीक है, मैं क्या किया है, लेट मी फिनिश, ठीक है, कि संत रामपाल जी को बार बार नोटिस आ रहे थे कि आप कोर्ट में पेश होइए, जब तक वो संत रामपाल जी तरह तरह के अपने जो उनके बहाने थे वो नहीं, बहाने नहीं कह सकते आप इनको, मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा एक्सपर्ट, कोर्ट भी एक्सपर्ट की राय मांगता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कोर्ट भी एक्सपर्ट की राय मांगता हूं और उन्हीं एक्सपर्ट ने ये राय दी थी कि संत रामपाल जी महाराज फिट नहीं है, मेडिकली फिट नहीं है कोर्ट जाने के लिए। संत रामपाल जी महाराज ने 19 तारीख तक का समय मांगा था, क्या किसी मीडिया में जब डिबेट करने आया तो डिबेट के तरीके सच बात बोलिए जो सच है, गिरीशी एक मिनट, ठीक है, ठीक है, आपको पता ही नहीं है फैक्ट्स के बारे में, ठीक है, गिरीशी एक मिनट, ठीक है, एपीसी जी के पास आपको मालूम है गिरीशी एक मिनट, ठीक है, ठीक है, बड़े आराम से, बड़े आराम से, बड़े आराम से, कोर्ट में दीजिए ना, 19 तारीख तक संत रामपाल जी महाराज का समय मिला हुआ था तो 18 तारीख को प्रशासन ने और सरकार ने हमला क्यों किया आसाम पे, आप बताइए। संत रामपाल जी को अधिकार नहीं था कि कोर्ट में जाकर, बिल्कुल अधिकार था, उस अधिकार का हनन हुआ है, क्यों नहीं हाजिर हुए कोर्ट के सामने 19 तारीख तक, को मेडिकल में हाजिर क्यों नहीं हुए 19 तारीख तक, मेडिकल में तरह तरह के बहाने बनाए, मैं फिर आपको ऑब्जेक्शन करता हूं, बहाने नहीं बनाए, मेडिकल ठीक है, जरा दूसरा पहलू समझ लेते हैं, दूसरा पहलू भी समझ लेते हैं, ठीक है, गिरीश जी, त्रिवेंद्र जी एक मिनट, ठीक है, बड़े आराम से इस मैटर को चर्चा करनी है, एपी सिंह यहां पर ठीक है, सरकार के द्वारा और सरकार के नुमाइंदों के द्वारा ये कहा जा रहा है, ठीक है, गिरीश जी, ठीक है, त्रिवेंद्र जी, एक मिनट, मैं आता हूँ, आपके पास बिल्कुल सच रखिए, अगर आपको नहीं पता हम आपको ठीक है, गिरीश के बारे में बता रहे हैं, कोर्ट में बताइएगा, जो झूठे फैक्ट यहाँ जनता के सामने मत रखिए, सहानुभूति है हमारी भी सहानुभूति, आपको जो झूठे फैक्ट मत रखिए, आपने कहा ना, आपने बिल्कुल कहा है, आप कोर्ट में रखिएगा, आपने बिल्कुल कहा सहानुभूति है, बिल्कुल सही, अच्छी बात है, वो आपकी सरकार नहीं, हम सबकी सरकार बनाई हुई है, भाजपा सरकार तो सेंटर और जनता के द्वारा, सब हम लोग वोटर हैं, हम लोगों ने एकदम आमूल चूल परिवर्तन किया, हम सब मतदाता हैं सरकार, लेकिन सरकार की कहां पे खामी रही, देखिए घटना हो गई, अरेस्ट कर लिया, क्या अरेस्ट के बाद आपका कोई मंत्री विजिट किया, क्या अस्पताल में 6 लोगों की लाशें पड़ी थी किसी ने विजिट किया,
क्या उन मरने वालों का तो कोई संत रामपाल जी से मारा नहीं मारा, वो तो कोर्ट में डिसाइड की करने वाली बात थी, क्या कोई मुआवजे की बात की गई, क्या उनके मरहमों जो घाव थे उन पे मरहम लगाया गया, क्या वो ब्रूटलिटी आप दिल से बताइएगा, क्या वो जलियांवाला बाग निशंस हत्याकांड जनरल सांडर्स की याद नहीं दिला रहा था, जब महिलाओं को खींच खींच के पुलिस अधिकारियों ने, पुलिस मेल पुलिस अधिकारी पुरुष पुलिस कर्मचारियों ने महिलाओं को खींच खींच के ले गए, आप सीडी देख रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, क्या वहां पर मीडिया पे हमला नहीं हुआ, क्या मीडिया ने उस समय की जो सरकार थी, सरकार है अब भी, उनको बहिष्कार नहीं किया कि मीडिया जब तक आपकी बात चलाती रही, पुलिस की बात चलाती रही तब तक तो ठीक था, लेकिन वहां जब मीडिया ने सच्चाई दिखाना शुरू की, लोगों पे हमला दिखाना शुरू किया, मारपीट दिखाना शुरू की, एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले दिखाने शुरू करिए, जलियांवाला बाग कांड की बर्बरता को भी आपने शर्मसार कर दिया, उसके बाद आपका कोई मंत्री गया, क्या आपके राज्य के, सुन लीजिए, क्या आपके राज्य के नेशनल वुमन राइट कमीशन ने, क्या आपके राज्य के वुमन कमीशन ने, क्या आपके राज्य के चाइल्ड वेलफेयर एक्ट ने, जो बड़े बड़े बोर्ड बने हुए हैं जिनमें आपके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वो आपके नहीं, वो हमारे प्रतिनिधि हैं, हम सब कोई संत रामपाल दास जी के अनुयायी, या संत रामपाल दास जी पाकिस्तान के आतंकवादी नहीं है, संत रामपाल दास जी के लोग चाइना से नहीं आए, डोकलाम सीमा से नहीं घुस आए, वो इस देश के नागरिक थे, क्या उन्हें वहां जाके नहीं पहुंचना चाहिए था, क्या अस्पतालों में नहीं देखना चाहिए था, क्या सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए, क्या मानवता को भुला देना चाहिए, क्या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, आपका कोई भी प्रतिनिधि वो एनएचआरसी हो, चाहे स्टेट ह्यूमन राइट्स वेलफेयर हो, कमीशन हो, वुमेन कमीशन हो, कोई वहां नहीं, ये महिलाएं थी मरने वाली, ये फॉलोअर्स थे संत रामपाल दास जी के, उनका कहीं कुछ आप लोगों ने मरहम लगाने का काम नहीं किया, ये विषय है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं त्रिवेंद्र जी। देखिए, आपने जलियांवाला बाग और इस तरह की जो भी अपनी जो उदाहरण पेश किए, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, हमारी सरकार भी उससे सहमत नहीं, हमारी सरकार ने अपनी संवेदनाएं उस घटनाक्रम को लेकर के प्रकट की थी। दूसरी बात यह है कि जो भी लोग वहां पे, त्रिवेंद्र जी एक सवाल तो यहां पर यह है कि यदि संवेदना थी, यदि आपको था कि वाकई में लोगों की मौत हुई है, लोगों तो वहां जाना चाहिए था, साढ़े वहां जाना चाहिए था। क्या क्या संत रामपाल की, एक मिनट, क्या संत रामपाल की गिरफ्तारी में 950 लोगों का रोल था, 950 वर्ष किया, आप सुनने की क्षमता रखें, आप बोलिए, आप बोलिए, आपने सवाल किए हैं तो जवाब सुनने की क्षमता रखें। ठीक है, देखिए, 5 महिलाएं और 1 बच्चे की मौत हुई जी, आप देख रहे हैं कि भाई वहां पे जो आपने वीडियो देखा है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वहां पे जो महिलाएं थी वो संत रामपाल जी के सामने जो है ना एक दीवार बन के खड़ी हो गई थी, जिनको हटा पाना बहुत मुश्किल हो गया था, और जो भीड़ और जो हथियार वहां पे जो लोगों ने जमा कर रखे थे उस मेडिकल एड के साइड में, मतलब जो एक संत रामपाल जी, एक मिनट की बात, मैं मुझे नहीं, नहीं, जो भी आप मेरी बात अधूरी रह जाएगी सर, आप मेरी बात अधूरी रह जाएगी, आप सुन लीजिए पहले, थोड़ा सुन लेते हैं। जो जो वहां पे मेडिकल का जो टाइम दिया गया, संत रामपाल जी ने कहा भी हम 19 नवंबर को जो है पेश हो जाएंगे, लेकिन 15, 16, 17 को वहां पे क्या हुआ, वहां पे उनके अनुयायियों ने वहां पे जमावड़ा लगाना शुरू कर दिया और वहां पे हथियारों का जखीरा जोड़ना शुरू कर दिया, और वहां पे जो महिलाओं की जो संख्या थी जो उनके अनुयायी है, निश्चित तौर पर हम आप ऐसा कोई हथियारों का जखीरा आश्रम से नहीं मिला है। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं गिरी जी से। ठीक है त्रिवेंद्र जी, आपका आपका जो सवाल है, आपका जो सवाल है वो जरा जवाब ले लेते हैं गिरी जी से। गिरी जी बताना चाहूंगा, गिरी जी यहाँ यहाँ ये सवाल उठ रहा है की वहाँ अंदर जखीरा था, क्या ऐसा था? कोई जखीरा नहीं था, आपको बोलने का पूरा अधिकार दिया गया, हमें भी तो सरकार का पक्ष रखना, हमारी सरकार निर्दोष है, रामपाल अनुयायियों के विरोधी नहीं है, झूठे आरोप लगाकर आप अपना पक्ष मत रखिए, आप बिल्कुल पक्ष रखिए, सच्चाई के साथ रखिए। एक मिनट, जो हथियारों का जखीरे की बात कही जा रही है, मैं इनको बता, कोई ऐसा हथियारों का जखीरा आश्रम में नहीं था, पहली बात, हथियार बरामद नहीं किए, मेरी बात सुनिए, जो भी हथियार थे वो लाइसेंस थे, कोई भी लाइसेंस हथियार नहीं था, परिवार सहित आते थे लोग, परिवार सहित आते थे, परिवार के साथ जो महिलाओं को आगे करके जिस तरीके क्या गोलियां नहीं चलाई, क्या रास्ता है उसको संत में जो 5 महिलाएं मरी उसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, ठीक है, ठीक है गिरी जी, मैं दूसरा बताना चाहूंगा, संत रामपाल जी महाराज 4 केसों में बरी हो चुके हैं, सरकार ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ कोई एक्शन लिया कि 4 केसों में संत रामपाल जी महाराज बरी हुए, तो इसका मतलब वो केस सारे झूठे थे जो संत रामपाल जी महाराज पर लगाए। दूसरी बात, संत रामपाल जी महाराज पर बंधक बनाने का आरोप लगाया गया था, प्रशासन द्वारा FIR काटी गई थी, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हो गए, जिससे कि आपने अभी जो क्वेश्चन करा है कि वहां महिलाओं को ढाल बनाया गया था, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज उसमें बाइज्जत बरी हो चुके हैं, वहां पर किसी भी महिला को, किसी भी बच्चे को कोई ढाल नहीं बनाया गया था।
और रही बात हथियारों के जखीरे की, वहां पर ऐसा कोई भी आप पुलिस रिपोर्ट देखिए ना, पुलिस रिकवरी रिपोर्ट देखिए कि कौन सा हथियारों का जखीरा मिला है वहां पर। ठीक है, जरा दूसरा पहलू भी समझ लेते हैं। ठीक है, जरा दूसरा पहलू समझ लेते हैं। त्रिवेंद्र जी, मैं आता हूँ आपके पास। एपी सिंह जी, एक और चीज है यहाँ, एक ये भी चीज सामने आती है कि जब वहां उस वक्त स्थिति थी, सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा था कि संत रामपाल जी महाराज सामने नहीं आ रहे हैं, तो यदि वो पेश हो जाते तो कंटेंट ऑफ कोर्ट का जो मैटर है क्या उसको लेकर और परिस्थिति दूसरी होती? नहीं, बिल्कुल पेश होने को, जब 19 तारीख डेट फिक्स कर दी, वो कहीं भाग तो नहीं रहे थे? आपकी 40,000 पुलिस लगी थी सराउंडिंग, कोई ऊपर से हेलीकॉप्टर से तो नहीं आ रहा था, कोई रेड कॉर्नर नोटिस तो जारी नहीं था, कहीं चाइना बॉर्डर और नेपाल बॉर्डर से तो जैसा कि जनरली भाग जाते हैं वैसा तो नहीं था। जब आपको पता है पेशेंट हैं, आश्रम के अंदर हैं, आप टाइट रखें, बाहर सिक्योरिटी आपकी टाइट, बहुत अच्छी बात। और आप उन पर लाठी चलाएंगे जिन बच्चों पर, महिलाओं पर, बच्चों महिलाओं पर जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे? क्या अपने केस में सीबीआई की जांच की मांग कौन करता है? एपी सिंह जी, सीबीआई की जांच, आप देखिए वहां के होली बात सुनिए, देखिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। हाँ बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, 5 महिलाएं और एक बच्ची मरी, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। बिल्कुल, आपके पास नहीं है अभी? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, उनकी मृत्यु का कारण जो थी वो भगदड़ के कारण हुई, भगदड़ के दबने के कारण महिला की मौत। किसने क्रिएट की भगदड़? जब शांति भगदड़ बैठे थे अंदर से फायरिंग, किसने क्रिएट की अंदर से फायरिंग की? अंदर से फायरिंग की कोई पता ही नहीं है, बाहर पुलिस खड़ी हुई, अंदर से फायरिंग स्टार्ट की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े। लेकिन एक चीज है त्रिवेंद्र जी, ठीक है त्रिवेंद्र जी, एक चीज तो है, जब वहां पर लोगों की संख्या थी, वहां पर इतने सारे लोग थे, ठीक है, क्या रोल था? 950 लोगों को अरेस्ट किए गए, 950 लोग को अरेस्ट किए गए, आपको रामपाल जी को उसकी आड़ में प्रशासन ने सरेंडर करने के लिए मौका दिया गया, महिलाओं पर प्रशासन ने इतने हथियार कहां पे हैं, उनके हथियारों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन संत रामपाल के जो बगल में जो साइड में जो उपद्रवी कुछ लोग जमा थे, वो पुलिस प्रशासन अंदर से फायरिंग की, आप बताइए ना, अंदर पुलिस प्रशासन कैसे फायरिंग करेगा? अंदर पुलिस प्रशासन होता तो संत रामपाल जी को अरेस्ट करके ले आते, जो कि एक बॉर्डर पर रक्षा करता है देश की, वो उपद्रवी हो सकता है, वो स्टूडेंट जो कि पढ़ाई कर रहा है वो उपद्रवी हो सकता है, आप कैसे कह सकते हैं उपद्रवी है? एक सरकारी कर्मचारी है, एक फौजी है, लेकिन, स्टूडेंट है, लेकिन लेकिन गिरी जी, लेकिन लेकिन गिरी जी, क्या संत राम रहीम के मामले में नहीं देखा आपने कितने उपद्रवी थे, किस तरह का षड्यंत्र किया था संत के साथ? ठीक है जरा त्रिवेंद्र जी, मैं गिरी जी मेरा सवाल, लेकिन उनके जो पर्सनल गार्ड थे, चलिए ठीक है, बहुत सारे सवाल है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर उस समय जो कुछ भी हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है, सवाल बड़ा है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, और अब एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और बहुत सारे सवाल ब्रेक पर जाने से पहले उठ रहे थे, लेकिन अब सवाल गिरीश जी आपसे ही है। एक सवाल यह भी उठता है कि उस वक्त जो वहां समर्थक थे, जो लोग थे, ये कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज ने उनको बंधक बनाकर रखा हुआ था, ये आरोप बार बार लगता है, इस आरोप में कितना तथ्य है? गिरीश जी, जवाब इसलिए देता हूं, उसका पूरा ट्रायल मैंने किया, 26/14, 427/14, देखिए उसमें क्या था, एक पत्रकार द्वारा, दैनिक जागरण अखबार के पत्रकार के द्वारा FIR हुई, उनके पास लोगों के फोन आ रहे थे कि हमें निकलने नहीं दिया जा रहा, हमें बाहर नहीं आने दिया जा रहा, तो बींग ए मीडिया पर्सन, लोकतंत्र में विश्वास करते हुए सामाजिक व्यक्ति होते, वो गए वहां पर, तो उन्होंने वहां देखा हाल, जो देखा वहां की स्थिति ऐसी थी, और ये बात उन्होंने कोर्ट में जब उनके बयान हुए तब भी उन्होंने ये बात कही कि वहां किसी को संत रामपाल दास के किसी फॉलोअर ने किसी को बंधक नहीं बना रखा था, पुलिस बाहर निकलते पे मार रही थी, पीट रही थी, इसलिए उन्हें अंदर ही वापस जाना पड़ रहा था।
पूरी तरह से ये बात थी और इसी बात को बेस मानकर कोर्ट ने उन दोनों केसों में संत रामपाल दास जी को बाइज्जत बरी किया है, ये रिकॉर्ड की बात है। तो बात बंधक आद व्यक्ति संत रामपाल दास जी का चलाया हुआ सतलोक आश्रम, उनके फॉलोअर्स, उनके समर्थक यानी कि उनकी संतान, वो तो एक परम पिता की तरह हुए ना। पिता तो अपने 4-3 पुत्रों पुत्रियों की देखभाल करता है, वो तो इतने सब बच्चों की अपने देखभाल करते, वो क्यों चाहेंगे मेरे यहां आए हुए व्यक्ति सुदूर से गुवाहाटी से चौपाटी कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोग आते हैं, वहां सत्संग सुनते हैं, उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होता है। कन्या भ्रूण हत्या हरियाणा में कम हुई, उसके पीछे सतलोक आश्रम का बहुत जबरदस्त सराहनीय योगदान है। नशाबंदी, शराब, गांजा, चरस, अफीम हरियाणा में कम हुआ क्योंकि सतलोक आश्रम का कोई भी अनुयायी ये चीजें छोड़ देता है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू सब छोड़ देता है। कन्या भ्रूण हत्या परिवार में नहीं होती है, बिना दहेज की शादी करते हैं, जाति धर्म विहीन बात होती है, जाति की बात नहीं, जाति ऐसा है वहां के नियम में है। जब ये बात सब हो रही थी तो वो व्यक्ति सतलोक आश्रम का मैनेजमेंट, सतलोक आश्रम के संत रामपाल दास जी महाराज क्यों अपने आए हुए महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, अपने पुत्र और पुत्रियों को क्यों मरने के लिए झोंकेंगे, क्यों मरने के लिए देंगे? तो ये, जब ये जो हवा, सामने हवा सरकार के द्वारा जो बनाई जा रही है, बिल्कुल देखिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, क्या कोई, मैं जानना चाह रहा हूं, देखिए बीजेपी के प्रतिनिधि हैं यहां, उनके समर्थक भी बैठे हुए, क्या जब आप जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं, सरकार का प्रतिनिधि आता है या ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया जाता है, लेने आता है, देने आता है, आश्वासन देता है कि हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे? चंडीगढ़ में प्रदर्शन, लोकतांत्रिक अधिकार, देखिए प्रदर्शन करना, अपनी बात को मांग रखना, अपनी मांग करना, सीबीआई की जांच की मांग करना, यह अपराध नहीं था? लेकिन वहां की तख्तियां देखिए, आपके अभी क्लिपिंग में देखा, तख्तियां देखिए, सीबीआई जांच की, मेरे करौथा केस की जांच करो, सीबीआई जांच करो, निष्पक्ष जांच करो, जब ये जांच की मांग कर रहे थे तो सफेद झंडा लिए हुए थे, क्या वीडियो फुटेज में जो पुलिस ने बनाई क्या कहीं कोई हथियार दिखाया गया, कोई कहीं ऐसी चीज दिखाई गई? जो मांग कर रहे थे, क्या कोई प्रतिनिधि वहां पर उनका एजेंडा लेने गया कि जो आपने मेमोरेंडम दे रहे हैं, जो आप ज्ञापन दे रहे हैं, क्या वो मैं ले लूं और आपकी बात को पहुंचा दूं और आप अपना धरना खत्म कर दीजिए? क्या कोई ऐसी बात हुई? क्यों नहीं बात हुई? वो हरियाणा के अंदर थे, वो पाकिस्तान की सीमा पर नहीं थे, वो अपने प्रदेश में थे। जब आप 40,000 पुलिसकर्मी लगा सकते हैं तो कोई एक सीनियर आला अफसर जाना चाहिए था। जंतर मंतर पर रोजाना प्रदर्शन होते हैं, पूरे देश में प्रदर्शन होते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन होते हैं, वहां का आला अफसर मंत्री फरीदाबाद में भी होते हैं, आपके गुड़गांव में भी होते हैं, रोहतक में भी होते हैं, एसडीएम डीसी अपने लेवल का अधिकारी जाता है, उनका ज्ञापन लेता है, कहता हम सरकार के पास भेजेंगे, सरकार को देंगे जाके, ये सिस्टम है हमारा। क्या इसमें फॉलो क्यों नहीं हुआ? कारण क्वेश्चन मार्क है कि ये फॉलो इसमें क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं ऐसा किया गया लोकतांत्रिक तरीके से? इसके पीछे लगता है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग थी। 426/14 में ही 27/14 में लिख दिया जाए देशद्रोह की धाराएं और घटना 18/11/14 को होती है, इससे लगता है कहीं कि साहब ने देखा उसे, बिल्कुल पूरा सीरियस देखा, कि ये कैसे हो गया? तो ये चीजें हैं वहां, बाद में काटी गई, इसका मतलब प्लान के साथ क्या, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक सवाल गिरी जी आपसे भी, हम जी माननीय न्यायालय के द्वारा भी ये जो है संत रामपाल जी महाराज इस केस में बाइज्जत बरी हो चुके हैं बंधक बनाने वाले में, लेकिन साबित होते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है गिरी जी, फिर अगर आपने देखिए, बात भी रोकूंगा, रोकना नहीं चाहिए मुझे, जब बाहर निकाल दिया आपने, फिर उन 950 लोगों का क्या रोल था? आज की डेट में 950 लोगों को अरेस्ट करके रखा हुआ गया था, बाद में बेल हुई, धीरे धीरे बेल का प्रोसेस हुआ, बेल हुई, आज हिसार में 950 लोग हर हफ्ते तारीख के लिए विभिन्न प्रदेशों से आते हैं, और उनके साथ क्या होता है बताएं आपको? जब तारीख के लिए आते हैं, स्टेशन से उन्हें मारा जाता है, बस अड्डों पर उन्हें मारा जाता है, धर्मशाला में नहीं रुकने दिया जाता, पार्कों में नहीं रुकने दिया था, एफआईआर रजिस्टर्ड है इस बात के लिए, एफआईआर रजिस्टर्ड, क्या कोई जब डेट के लिए आ रहा है, तारीख के लिए अपनी आ रहा है, उस पर एफआईआर चली, ठीक है, क्यों एफआईआर लगाई जा रही है? क्या वो डेट पे ना आए, अपने वारंट कराए, पीओ बन जाए, तब आप कहेंगे इतने समर्थक तो आते नहीं है, ये तो डिले टैक्टिक्स है, आप भगोड़ा बना दिया, चलिए ठीक है। लेकिन उनके साथ
रहमी, अपने देश के लोगों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक समाज सुधारक के साथ आप ऐसा कर रहे हैं, किसी भू माफिया के साथ नहीं कर रहे हैं, किसी आर्म्ड सप्लायर के साथ नहीं कर रहे हैं, किसी बहुत बड़े बैंक घोटाले के साथ नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें सम्मान देते हैं, आप उनको इज्जत से जी लगा के बात करते हैं, और संत रामपाल दास जी के अनुयायियों को आप देशद्रोह की धाराएं लगाते हैं। चलिए, ये गलत है, बहुत सारे कुछ सवाल है। और यहाँ एक सवाल ये भी है कि सरकार द्वारा जजों पर दबाव बनाकर इस मैटर को और भी ज्यादा दबाने की कोशिश की जा रही है, ये रामपाल महाराज के समर्थकों का ये कहना है। इस मसले पर भी बात करेंगे, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो 2014 का ये मामला और उसके बाद लगातार बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आने लगी, और सवाल ये भी उठने लगा, ये आरोप लगने लगे कि सरकार द्वारा जुडिशरी पर दबाव बनाकर कहीं ना कहीं एक अलग माहौल बनाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से इस केस को प्रभावित किया गया। गुरुजी, मेरा सवाल यही है कि क्या जो आरोप आपके द्वारा लगाए जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा जुडिशरी पर एक दबाव बनाया गया जिससे कि इस मैटर को एक अलग रूप दे दिया जाए? बिल्कुल, देखिए, किसी भी एफआईआर की या किसी भी कंप्लेंट का एक आधार होता है कंप्लेनेंट, जिसके आधार पर एफआईआर काटी जाती है। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज पर 400 एफआईआर नंबर 429 और 430, जिसमें कि हत्या का आरोप लगाया गया है उन पर, उसमें जो कंप्लेनेंट है सिप्पाल, वो खुद कह रहा है कि मेरे से पुलिस वालों ने कोरे कागज पर साइन करवाए और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे गुरुजियों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा बना दिया, एक झूठा मुकदमा बना दिया। उसने एफिडेविट भी दिया, तो ये एक आधारशिला खत्म होती है। दूसरी आधारशिला होती है कि भाई 426 में बंधक बनाने का आरोप संत रामपाल जी महाराज पर था, जिसमें कोर्ट के माननीय कोर्ट के द्वारा बाइज्जत बरी किए जा चुके हैं संत रामपाल जी महाराज। जब ये दो आधारशिलाएं खत्म हो जाती हैं, तो उसके बावजूद भी जो है माननीय सेशन कोर्ट जो है बाकी 120 डिफेंस विटनेस हैं उनको लेने से जो है कहते हैं एक दिन में 120 डिफेंस विटनेस लिए जाएंगे। तो कहीं ये पॉसिबल है कि 120 डिफेंस विटनेस एक दिन में लिए जाएं, जिसमें 15-16 लेकर और बाकी क्लोज कर दिए जाएं? तो ऊपर से जो माननीय जज अजय परासर जी हैं, वो ओपन कोर्ट में बोल रहे हैं कि भी मेरे ऊपर सरकार से दबाव है, मुझे ये जल्दी निपटाना है, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो क्या है ये इंडिकेशन, क्या जाहिर करती है? ये इंडिकेशन क्या जाहिर करती है कि भाई मतलब आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार से इतना दबाव है कि नेगेटिव जजमेंट देना है उन्होंने, जबकि कंप्लेनेंट जो सिप्पाल हैं जिनके आधार पर वो कंप्लेंट काटी गई है, वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसी कोई कंप्लेंट कराई नहीं है, मेरे से मेरी पत्नी की डेड बॉडी देने के लिए कोरे कागज पर प्रशासन साइन कराता है, और उस साइन के आधार पर, उस फर्जी कागज के आधार पर संत रामपाल जी महाराज के ऊपर 429 एफआईआर और 430 काट देता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि सरकार का दबाव जुडिशरी पर था, जिसकी वजह से इसको अलग रूप दिया गया। बिल्कुल अलग रूप दिया जा रहा है इसमें। अब आप खुद बताइए, 120 डिफेंस जो माननीय जज अजय परासर जी हैं, देखिए विषय ये है, जस्टिस एसएस फॉर ऑल, थोड़ी जस्टिस एसएस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए होना चाहिए। जब कंप्लेनेंट साफ तौर पर एफिडेविट देके हाई कोर्ट में कह चुका, जब वो विटनेस में बॉक्स में आके कह चुका, फिर उसके बाद उसकी जो लोकल एडवोकेट वहां के बताते हैं इस बात को, लोकल लॉयर बताते हैं इस बात को कि ऐसा हो रहा है। जब डिफेंस एविडेंस, जब डॉक्टरों की डिफेंस एविडेंस दी जा रही है कि बीमार थे, वहां के पब्लिक विटनेस की बात की जा रही है, वहां की डिफेंस एविडेंस की, जब प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस कराने के लिए है, लीगली वैलिड है, तो डिफेंस की तरफ से भी एक मौका होता है डिफेंस विटनेस, डिफेंस एविडेंस, केस डी के लगता है। डिफेंस एविडेंस में जब डिफेंस की तरफ से, अक्यूज की तरफ से गवाह दी जाते हैं, विटनेस पेश किया था, उनकी भी गवाही निष्पक्ष तरीके से कोर्ट को लेनी चाहिए जनरली। तो यही होता है, सभी जगह ऐसा होता है। अब इसमें नहीं हो रहा, जैसा कि लोकल लॉयर शिकायत कर रहे हैं, लोकल लॉयर जो एडवोकेट है वहां, उन्होंने भी एप्लीकेशन भी लगाई कि मेरा केस ट्रांसफर कर दो,
दूसरी कोर्ट में भेज दो, ये चीजें हैं, कंट्रोवर्सल नहीं होनी चाहिए। न्यायालय न्याय का मंदिर है, वकील वहां उसकी घंटी बजाने के लिए है, प्रार्थना रखने के लिए, अपना सबमिशन रखने के लिए। मैं भी सुप्रीम कोर्ट में, कई चीजें होती है, ऐसा नहीं कि वकील के हिसाब से ही फैसला आ जाए, ऐसा नहीं हर केस में वकील और मुलजिम के हिसाब से ही फैसला, लेकिन नहीं आए। लेकिन मैंने माना कि वो चाहता कुछ है और वो चाहता कुछ है, स्टेट कुछ चाहती वो कुछ, लेकिन जज जो न्यायाधीश का स्थान इसीलिए ऊपर रखा जाता है कि वहां से स्टेट को भी बराबर देखे और एक्यूज को भी बराबर देखे, दोनों को बराबर देखना चाहिए संवैधानिक तरह, जस्टिस एसेस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए ट्रायल में, जिससे निष्पक्ष रूप से ट्रायल हो। इन्वेस्टिगेशन पर क्वेश्चन लग सकते हैं, पुलिस प्रशासन पर सदैव हजारों साइटेशन है, हजारों रूलिंग है, और हमारे देश के सिस्टम है, माननीय राष्ट्रपति एपीजे कलाम जी ने कहा एक फांसी के केस में कि नकली गवाहियां, फैब्रिकेटेड एविडेंस, पुअर इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हम कैसे फांसी की सजा दे दें, उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा इस तरह की बातें हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में रही, इसलिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन डाउटफुल हो सकती है, लेकिन न्यायालय का काम होता है, न्याय का मंदिर है, ठीक है, और उसमें बराबर, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। त्रिवेंद्र जी, एक सवाल यहां पर यह है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार ने दबाव बनाया, आखिर सरकार क्यों चाहती है ये दबाव बनाना? देखिए, देश में, देश का जो है प्रमुख स्तंभ जो है वो न्यायपालिका है, न्यायपालिका को जो है ना अविश्वास, न्यायपालिका के प्रति अविश्वास जता रहे हैं एपी सिंह जी। नहीं, कैसे आपने कहा अविश्वास की बात, उससे ज्यादा न्यायपालिका को कौन सम्मान करने वाला है? सुन लीजिए, न्यायपालिका पर अविश्वास कैसे कोई जता सकता है? मैं भी तेज बोल सकता हूँ सर, मेरी बात सुनिए, न्याय दिखना चाहिए, न्याय लगना चाहिए, न्याय एहसास होना चाहिए, क्या न्याय आना चाहिए कि सामने न्याय, क्या आपको लगता है कि सरकार के दबाव में न्यायपालिका डिसीजन दे देगी? मैं नहीं कहता, दूसरी बात, लेकिन न्याय दिखना चाहिए बिल्कुल। पर यहाँ पर ये चीज भी साबित होती है, देखिए आपको मैं बताता हूँ, आपने ये कहा, यहाँ पर ये चीज भी साबित होती है कि जब प्रोसिक्यूशन की तरफ से विटनेस लिए गए, जब डिफेंस विटनेस की बारी आई उसमें 120 विटनेस थे जिसमें से कि 10 या 16 लेकर, अब मेरा आपसे प्रश्न है, पूरी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, जो है हॉस्टाइल नहीं होते, मेरी बात सुनिए, हॉस्टाइल वाली बात नहीं होते, जब वो मेरी बात सुनिए, यहाँ पर हॉस्टाइल वाली बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें आती है, एक तो बंधक बनाने वाला केस आता है जो की बाइज्जत बरी हो चुका है, दूसरा आता है जो सिपाल जिसकी वाइफ की डेथ हुई थी पुलिस के हमले के द्वारा, तो वो सिपाल कहता है कि मैंने कोरे कागज पे अपनी पत्नी की डेड बॉडी लेने के लिए जो है वो साइन किए थे और उसके आधार पर झूठा मुकदमा बना दिया। तीसरी बात कि जब माननीय न्यायालय को 120 डिफेंस विटनेस लेने चाहिए और पूरे इत्मीनान से लेना चाहिए, उनकी स्टेटमेंट लेनी चाहिए, उसमें माननीय न्यायालय जो है 10 से 15 विटनेस लेकर और बाकी विटनेस को एक दिन का समय देते हैं। इतिहास में ये कभी हुआ है कि 120 विटनेस या 80 या 100 विटनेस एक दिन में पॉसिबल हुए? मतलब चौथी बात जिसमें कि माननीय जज अजय पराशर जी ओपन कोर्ट में कहते हैं कि मेरे ऊपर सरकार से दबाव है, मुझे इसको जल्दी निपटाना है, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, आपके पास और भी ऑप्शन खुले, तो ये इससे क्या जाहिर होता है? नहीं, हम यहाँ पर न्यायपालिका पर पूरा विश्वास, सुनिए मेरी बात को, यहाँ पर मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, यहाँ पर बिल्कुल स्वतंत्र है न्यायपालिका, बिल्कुल स्वतंत्र है, पर इस तरह के स्टेप कहीं ना कहीं, इस तरह के स्टेप कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर शंका पैदा करते हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के स्टेप सरकार के ऊपर शंका पैदा करते हैं। मेरी बात, भरोसा नहीं था आपके गुरु को, माननीय न्यायपालिका को पूरा भरोसा है, आज तक आपने देखा होगा संत रामपाल जी महाराज के समर्थक शांति प्रिय और शांति से सारे कोर्ट, सारे कोर्ट, नहीं नहीं ये पुलिस प्रशासन के द्वारा हुआ है, इस बात के लिए प्रूफ आप एक चीज लोगों को जो भी प्रूव करना है वो न्यायपालिका के समक्ष, न्यायपालिका में कैसे रहेंगे जब 120 डिफेंस विटनेस हैं वो न्यायपालिका द्वारा नहीं एक ही दिन में खत्म किए जा रहे हैं, तो ये कहां से डिफेंस रखा जाएगा अपना? दूसरी एक और बात, लेकिन पूरी बात न्यायपालिका के ऊपर बढ़ते जो केसों की जो सुनवाई, ऐसा एक संत रामपाल जी महाराज के केस है कि वो बहुत ज्यादा बर्डन दे रहा है, जो खास केस होता है उसमें बात खास जब उस केस की आधारशिला खत्म हो चुकी है, जिसमें आप बात सुनिए मेरी, एपी सिंह जी बहुत अच्छे सुलझे हुए वकील है, मैं मानता हूँ उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो पिछले अपने वक्तव्य में बात कही कि भाई जब तारीख पे जो 900 950 जो भी जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, तो वो लोग जब इकट्ठा होते हैं और कोई जहाँ पे 950 लोग इकट्ठा होते हैं, तो सरकार की कोई भी सरकार हो उसको वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन करने के लिए उन लोगों को वहाँ से तीतर बितर करना पड़ता है। आप बिल्कुल
वकील साहब बिल्कुल सही बात, देखो हम ना, हम ना हमारी सरकार रामपाल जी के या कोई पर्सनल हमारी कोई कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं थी हमारी, और हम लोगों की भी सरकार से नहीं है, वकील साहब पुलिस अधिकारियों से भी नहीं है। मैं अपनी बात कह लूं वकील साहब, मुझे कहले नहीं दीजिए कि भाई हमारी सरकार ने वहां पे जो है ना, चाहे हमने 40,000 पुलिस वाले वहां पे बाहर सुरक्षा के लिए जो है ना वहां पे, कि भाई हम एक मिनट मेरी बात, 40,000 सुरक्षा कर्मी वहां पे मौजूद थे तो वहां पे सब कुछ शांति से निपट जाए उसके लिए प्रशासन ने वहां पे लाउडस्पीकर से कहा था कि भाई एक मिनट, वहां पे लाउडस्पीकर से कहा पुलिस प्रशासन ने कि भाई रामपाल जी जो कोर्ट में, आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा, आप शांति से मेरा जवाब सुनिए, इसके ऊपर अपनी पेशी पे जाएं, ये बताइए ठीक है, 40,000 पहले क्लियर कर, पुलिस प्रोटेक्शन में उनको अपने साथ ले जाना चाहती है। देखिए सुनिए रविंद्र जी, 950 आपने कहा ठीक है, 950 लोगों को फिर क्यों नहीं डिस्चार्ज कर दिया गया, आप रखते 10-5 लोग, 950 में आप डिस्चार्ज कर सकते थे, अपने घर बैठते, वो क्यों आए, आप 950 लोगों पर चार्ज लोगों कर रहे हैं, 950 लोगों को बनाए मुलजिम, क्या होता है अंदर से बचे उपद्रव के कारण बच्चों पे महिलाओं में लाठी चार्ज करने का कहां से ऑर्डर होता है, ऐसे नाबालिग बच्चों पर लाठी चार्ज करने का ऑर्डर कहां से होता है, जिन्होंने वहां पे नाबालिग बच्चों पर देशद्रोह लगाया गया, नेपाल में महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए नेपाल से आए हुए लोगों पर देशद्रोह लगाया गया, जो भारत के नागरिक नहीं है, नेपाल से आए हुए लोगों पर दीवार बना रखी थी 15-16 साल के बच्चों पर केस लगाया गया देश के बीच में, अगर वो दीवार हट जाती संत रामपाल जी अपने अनुयायियों को शांतिपूर्ण तरीके से कहते कि भी आप हट जाओ, मैं कोर्ट का सम्मान करते हुए कोर्ट के समक्ष पेश करता हूं, ठीक है, लेकिन अपने घर में बैठा है प्रशासन, ठीक है ठीक है, प्लीज एक एक करके आप बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप ऐसा बोल रहे हैं फिर मेरी नहीं सुन रहे, आप सुनिए पहले, ठीक है ठीक है त्रिवेदी जी, एक मिनट ठीक है, बात सुनिए पहले, आप बात सुनिए कि जब 40,000 फोर्स होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली, आप बात कह रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का अर्थ ये नहीं होता कि आप बच्चों पे और महिलाओं पर लाठीचार्ज, अंदर से नहीं चली आप ये धोती बात नहीं, अंदर से कोई गोलियां भगदड़ मची जिससे महिलाएं, पांच महिलाएं एक बच्ची मर गई, कौन जिम्मेदार था उसके लिए, अंदर से गोली, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, जरा जरा ठीक है ठीक है, इस पर जरा लीगल पॉइंट ले लेते हैं, जरा लीगल पॉइंट समझ लेते हैं, ठीक है ठीक है, लेकिन त्रिवेदी जी एक मिनट, ठीक है प्रशासन ये कहा जा रहा है पालिका से लड़ेंगे, ये बार चलिए ठीक है, एक्सपायरी डेट ठीक है, मसला बेहद गर्म है और ये समझना भी बेहद जरूरी है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी थी और क्या सरकार की भूमिका इसमें इतनी ज्यादा प्रभावशील हो गई थी कि वहां पर जो अंदर लोग मौजूद थे उनके ऊपर गोलियां चलानी पड़ी, उनके ऊपर लाठी डंडे पुलिस को चलाने पड़े, एक बहुत बड़ा सवाल है, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और 2014 का ये मसला, और अब हमारे इस खास पैनल के अंदर एक और शख्स जुड़ चुके हैं जो कि इस केस की सबसे अहम कड़ी हैं। शिवपाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं जो कि शिकायत करता है, बहुत स्वागत है शिवपाल आपका कार्यक्रम में, और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही होगा, एक सवाल यहां पर किया जा रहा था कि पहले इस मामले को लेकर आप सामने आते हैं, शिकायत आपके द्वारा की जाती है, लेकिन अब आप ये कहते हैं कि ब्लैंक पेपर पर आपसे साइन करवा लिया, क्या है पूरी बात? सर मैं 7/11/2014 को सतलोक आश्रम बरवाला गया था हिसार सत्संग सुनने, जब मैं शाम को सत्संग सुनने पहुंचा तो मुझे पता चला कि गुरुजी की तबीयत खराब है, इसलिए सत्संग शाम को नहीं हुआ, फिर मैं 8 तारीख को भी नहीं हुआ 9 तारीख को भी नहीं हुआ, 9 तारीख को पता लगा गुरुजी की फिर तबीयत सही नहीं है, तो 10-11-12 तक मैंने इंतज़ार किया, उसके बाद में 14 तारीख को लास्ट मुझे पता चला कि गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है, और तब मैंने 14 तारीख को अपना घर चलने का प्लान बनाया, अपनी पत्नी से बोले कि चलो भाई अब घर चलते हैं, गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, काफ़ी दिन हो गए हैं, 6-7-8 दिन हो चुका है यहाँ पे, और मैं अब यहाँ से घर चलते हैं, तो 14 तारीख को मेरी बिजली पानी राशन आश्रम के अंदर का सारा कुछ काट दिया,
बिजली भी, पानी भी, और बाहर से ना कोई सामान अंदर आ रहा था ना अंदर से कोई बाहर जा रहा था। तो मैंने 14 तारीख को बाहर निकले, हमने अब अंदर भी परेशानी होने लगी है, अब चलो बाहर चलते हैं, अब घर चलेंगे। अब घर से आश्रम से बाहर निकल रहे हैं तो पूरे डंडे लाठी से मारपीट कर रही है, तो डर के मारे फिर अंदर आ गया। अंदर कुछ खाने पीने की परेशानी, सारी व्यवस्था गड़बड़ थी, वहाँ कुछ नहीं था, जो भी ऐसे रूखा सूखा मिल रहा था। अब फिर निकलने की बाहर करी, 18 तारीख को इन्होंने दोपहर को इतने ताबड़तोड़ एक्सपायर डेट आंसू गैस के गोले ऐसे छोड़े, ऐसे छोड़े कि बताने में कलेजा मुंह को आता है सर। अंदर से इतना धुआं धुआं, इतना धुआं धुआं अंदर से कि पूरी सांस लेना बाहर। मेरा 4 साल का एक बच्चा था, उसी बीच मेरी पत्नी जान से जान बचाने के चक्कर से वो बाहर को भागी, और बाहर आज डंडे से पुलिस पीट रही थी, तो फिर वो बाहर को भाग, अंदर को भागी, उसके धुआं से इतना, उसका धुआं से वो इतनी परेशान हो गई कि बाहर जाए तो पुलिस मारपीट कर रही है और अंदर आ रही है तो पूरा लबालब धुआं, एक्सपायर डेट गोले थे, इतने अंधाधुंध छोड़े बेरहमी से कि मैं क्या बताऊं सर। अब अंदर से मेरे एक बच्चा था, उसकी भी आंखें टेढ़ी मेढ़ी, जब पत्नी को मैंने भागते देखा तो वो मुझे मूर्छित होकर एकदम से गिरती गई। मेरा बच्चा चिल्लाने लगा, अब उसको संभालूं या उसको संभालूं, तो वो ऐसे ऐसे कुछ हाथ पैर कर रही थी, हाथ से कुछ इशारा कर रही थी, कुछ बताना चाह रही थी मेरे को। तो मैंने कुछ श्रद्धालुओं से अंदर भक्तों से बोला कि मेरी कोई हेल्प करो भाई, मेरी पत्नी की तबीयत इतनी ज्यादा हो गई है कि वो उसके धुआं कहीं पानी नहीं मिल रहा है। अब सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए घूम रहे इधर उधर इधर उधर, लेकिन कोई किसी की सुन नहीं रहा। सब इतनी बुरी तरह हालत अंदर की खस्ता हाल थी कि मैं क्या बताऊं। अब बच्चा मेरा एक साइड में एक गोद में लिए हुआ, 4 साढ़े 3 साल का है उसको, और पत्नी अलग से बेहोश पड़ी। अब मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरी कोई हेल्प नहीं हुई। हेल्प क्या, अंदर कोई स्थाई नहीं, डिस्पेंसरी के पास गया, एक छोटी सी फर्स्ट एड है एक कमरे में, उनके पास गए कि सर कुछ हो सके तो कुछ करो, लेकिन वहाँ पे वो उपचार, क्योंकि जबली बिजली पानी दवाई दूध राशन सब बाहर से काट रखा था, कुछ अंदर आ ही नहीं रहा था, तो वो उपचार उसको नहीं मिल पाया जो वहाँ होना चाहिए, जो उस पर था ही नहीं। कुछ थोड़ा बहुत पानी आने की कोशिश की लेकिन वो जब हमें मूर्छित हो गई तो वो बेहोशी से फिर हमें होश में नहीं आई। अब मैंने किसी तरह पुलिस से निकलने की बाहर कोशिश की कि भाई पुलिस मेरी को सुन ले, पुलिस मेरी को सुन नहीं रही थी, ऊपर से लाठी डंडे। ठीक है, जरा जो आप बीती है वो, जरा हमारे पास एक बाइट भी है, जरा वो बाइट क्लिप भी आपको दिखाते हैं, वो बाइट क्लिप के जरिए जरा कुछ समझ में आएगा कि क्या हुआ था। सर, परमात्मा को साक्षी मान के झूठ और सच की बात कह रहा हूँ कि मेरे गुरु जी ने मुझे बंधक नहीं बनाया था, बस ना मुझे किसी आश्रम के किसी भगत ने बंधक बनाया था जबरदस्ती। मैं सर परमात्मा को साक्षी मान के झूठ और सच की बात कह रहा हूँ कि मेरे गुरु जी ने मुझे बंधक नहीं बनाया था, बस ना मुझे किसी आश्रम के किसी भगत ने बंधक बनाया था जबरदस्ती। बाइट है लेकिन हमें ये दिखाना इसलिए जरूरी हो गया था कि बार बार जब ये सवाल उठ रहे हैं शिवपाल जी, कि सब ये कह रहे हैं कि अंदर बंद किया गया था, बंधक बना लिया गया था वहां पर मौजूद लोगों को, कितनी बात ये सही है? सर, ये मीडिया के द्वारा गलत फहमी फैलाई गई है, जो मैं सच बता रहा हूँ। मैं परमात्मा को मैं आज भी साक्षी मान रहा हूँ कि मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, और शायद आप अगर कभी वीडियो देखने को मिले तो उसमें देख लेना कि मैं कितना झूठ बोल रहा हूँ। और जब पत्नी मेरी बेहोश मिली, मैंने पुलिस से मदद मांगना चाहा तो मुझे कोई बाहर से मदद नहीं मिली, और मैं 18 तारीख को उसकी दम वहीं बेहोशी की हालत पड़ी रही। मैं बच्चे को भी संभालता रहा लेकिन परमात्मा की दया से बच्चा तो लेकिन शिवपाल जी यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा। ये सवाल बार बार उठ रहा है कि जब आपने ये कहा कि आप वहां पर, आपको बंधक नहीं बनाया गया, आप अपनी पत्नी के लिए वहां पर मदद मांग रहे थे, सभी वहां पर अनुयायी थे, तो शिकायत आखिर क्यों की आपने? हमने शिकायत नहीं की, ये पुलिस ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया, उसकी मैं बात बता रहा हूँ। जब मैं 19 तारीख को सुबह अग्रवा हॉस्पिटल अपनी पत्नी को लेके गया तो वहां पे मुझे डॉक्टरों ने जब उसको चेक किया तो वहां मेरी पत्नी को उन्होंने मृत घोषित कर दिया कि भाई ये तो मर चुकी है। तो फिर पुलिस ने कहा कि अब इसका पोस्टमार्टम होगा। जब पोस्टमार्टम गृह में अंदर गए तो पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस ने, मेरे गोद में बच्चा था, सर्दी का सीजन था, मैं बार बार उसको लेके जा रहा था, पुलिस को बयान दे रहा था, यही मैं उनको बताना चाह रहा था, और तो बोले कि ऐसा आया कि भाई तुम्हारी डेड बॉडी मिलेगी लाश के लिए, इसमें 4-5 कागजों पे साइन कर दो, आप बच्चे को बार बार मेरे लेके आते हो तो एक जगह आप बैठ जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो रो रहा था, उसकी आंखें में जो भी हो रहा होगा तो वो रो रहा था बार बार। तो उन्होंने मेरे को एक बुला कि आप 4-5 कागज हैं, एक इस पर पुलिस कार्रवाई करेगी, आपको डेड बॉडी मिलेगी, इसके लिए आप
इसमें चार पांच में साइन कर दो, फिर एक जगह बैठ जाओ आराम से, आपको बार बार नहीं दौड़ना पड़ेगा। उसके माध्यम से मुझे 10-15 दिन बाद मुझे ये तो पता चला अखबार और पत्र के माध्यम से कि उन्होंने तो मेरे ऊपर केस बना 429 काट रखी है, और लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि तुमने गुरुजी के ऊपर केस किया है। मैंने कहा मैं मुझे भाई पता ही नहीं, मुझे तो पता नहीं। अब ये सर एक चीज मेरे साथ इतना बड़ा घिनौना, मुझे बताने में भी शर्म आती, मेरे कलेजा मुंह को आता है। परमात्मा ये मेरे साथ इंसाफ हो इतना कि मैं आप किसी से भी पूछ लेना। चलिए ठीक है, ठीक है, जरा मिट्टी को लैस तक, मेरी लैस को, डेड बॉडी को उन्होंने सील भी नहीं किया। मैं अपने चद्दर से लपेट को उसको लेके आया। चलिए ठीक है, ठीक है, जरा 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 इसका जवाब ले लेते हैं, जरा जवाब ले लेते हैं। त्रिवेंद्र जी, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? देखिए जो भी भाई शिवपाल जी की, पहले तो इनकी जो दुखद घटना इन्होंने बताई है उससे मतलब पीड़ित है मन। एक रोड पे, एक मिनट, आपका शिवपाल जी, हमारी पूरे सहानुभूति है, हमदर्दी है, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। लेकिन जो भी उस एक्सीडेंट में, अब अकेले शिवपाल जी की मिसिज नहीं, उस समय मतलब पांच और, मतलब चार और महिलाएं जो है ना वहाँ पे जिनकी मृत्यु हुई और एक बच्ची की भी मृत्यु हुई थी, तो निश्चित तौर पे उनके परिवार का भी दुख ऐसा ही है जैसा भाई शिवपाल जी का है। हम इनकी पूरी हमदर्दी रखते हैं। लेकिन बात यह है, जहाँ जिस FIR का जो मामला, अब ये कह रहे हैं कि भाई हमने FIR नहीं की, तो काफी सारे मामलों में देखा गया है, वकील साहब अच्छे तरीके से जानते हैं, कोर्ट में डेली दलील होती हैं, तो क्या नाम है, कोर्ट में गवाह वगैरह और सेल होते रहते हैं। ये जो मामला है इस प्रकरण की, जैसे अब आपने AP सिंह जी ने कहा था कि भाई वहां जो तख्तियां अंदर लेकर के जो बैठे हुए थे वो CBI की जांच के लिए कह रहे थे, CBI जांच की मांग कर रहे थे कि भाई CBI जांच की, शिवपाल जी ऐसे ही ना, AP सिंह जी ऐसे ही ना, CBI जांच की मांग, CBI जांच की मांग वो लोग कर रहे थे। लेकिन इस भाई शिवपाल जी के मामले में CBI जांच की मांग होनी चाहिए थी, ऐसे मामलों में जांच होनी चाहिए, बिल्कुल की गई। लेकिन जो अंदर जो तख्तियां लगाई गई थी वो बाबा संत जो है ना रामपाल जी, उनके मामले में जो है ना CBI जांच की मांग, जबकि कोर्ट ने उनको पेश होने के लिए आदेश दिया हुआ था कि भाई आप जो है ना कोर्ट में आइए और कोर्ट में अपनी दलील रखिए, स्वतंत्रता सबको है, कोर्ट में अपनी दलील रखने के लिए सबको अधिकार मिला हुआ है। तो जब वो नहीं गए तो बाहर, और हाँ भाई शिवपाल जी के जो इन्होंने कहा कि भाई बाहर जो है ना पुलिस खड़ी जरूर थी, लेकिन पुलिस ने बाहर लाठीचार्ज, बाद में जब वो अंदर से गोलियां चली उसके बाद, ना बिल्कुल नहीं, आपके पास, मैं लीगल बात कर रहा हूँ, आप एक फोटोग्राफी, आपके पास कैमरे थे, आपके पास मूवी कैमरे थे, सब थे, मीडिया थी, आप एक फोटोग्राफी दिखा दीजिए कि अंदर से गोली चलेगी, एक एविडेंस आप दिखा दीजिए, एक प्रमाण दिखा दीजिए, आपके रिलेशन अलग है, आप पोस्टमार्टम गृह में कपड़ा नहीं दे पाए, आप पोस्टमार्टम हाउस में इसकी पत्नी को लपेटने के लिए एक चादर नहीं दे पाए जिससे सील करें, आप मानवता की बात कर रहे हैं, जानते हैं ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, उपद्रव की बात कर रहे हैं, नागरिकता क्या, देश का नागरिकता, वो मतदाता था, वो महिला आपकी, अंदर जो संत रामपाल के जो गुंडे वहाँ पे अंदर थे, नहीं जो उनके उनके जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने वहां अंदर से जो गोलियां चलाई, इस भाई शिवपाल जी की, एक मिनट वकील साहब मेरी बात सुनिएगा, गौर कीजिएगा, इस जैसे भाइयों, भाई एक मिनट बात सुनिए, आप भड़काइए मत इनको, गरीब आदमी को मत भड़काइए, आप अपनी दलीलें कोर्ट में रखिएगा, कोर्ट में रखिएगा, आप बात सुनिए, ये भाई शिवपाल जैसे, आप सुनिए बात को, आप सुनिए ना, अरे भाई सुनिए तो सही, आंसू कैसे गोले छोड़ता है, किसके गोलियां चलाता है, किसके भड़काए में, आप सुनिए तो सही बात, जो हाथ जोड़कर, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई शिवपाल, मैं अपनी बात जनता के सामने कह रहा हूँ, आपने CBI, आप CBI से मांग करिए, मैं आज कह रहा हूँ आपके चैनल, मैं भाई के मामले में CBI जांच की मांग करता हूँ, संत रामपाल जी के मामले में नहीं करता, वो मामला पहले से कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, ठीक है गिरीजी ठीक है, विचाराधीन मामला चल रहा है, कोर्ट में उत्तर भारत में खूब देखा जाता है, हरियाणा न्यूज के माध्यम से आपसे भी कह रहा हूँ, आप सरकार के प्रतिनिधि, आप केवल इसी केस की, इस शिवपाल वाले केस की FIR नंबर 429
बटा 14 430/14 की सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर कराइए, आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप कराइए, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, चैनल भी इस बात के लिए करें, इस डिबेट के माध्यम से गलत बात को सही साबित कर रहे हैं। उनके जो बॉडीगार्ड वहाँ पे, उनके स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस के आदमी, कोई सिक्योरिटी फोर्स आप दिखाइए, उनके स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के आदमी थे, आप समझते नहीं। चलिए आप अपने सुनेंगे नहीं, ठीक है, आपने अपनी बात कहनी उसमें वॉलंटियर मांग करें, ताकि असामाजिक, आप जैसे वॉलंटियर नहीं। त्रिवेदी जी, एक सर में अपनी बात, गिरीश जी एक मिनट, ठीक है गिरीश जी एक मिनट, ठीक है, ठीक है, एक गिरीश जी त्रिवेंद्र जी, ठीक है, एक बात कहनी है मुझे, आप सुनिए बात को। मैं भाई शिवपाल जी के मामले में जो है ना भाई, इस चीज की भाई मेरी चाहत है, मेरी खुद की, बिल्कुल बहुत अच्छी, भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि भाई शिवपाल जी के मामले में, इनकी इनके मामले में सीबीआई जांच हो, होनी चाहिए अगर भाई इनके, लेकिन मैं आप भाई देखिए आप प्लीज आप सुनिए ना, ठीक है जरा जरा सीबीआई जांच, ठीक है जो हम नागरिक नहीं, आप नागरिक हो, लेकिन आपके कहने से नहीं होगी, ठीक है, जरा एक सवाल एपी सिंह, ठीक है गिरी जी एक मिनट, लेकिन इस मामले को लेकर यदि, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे मामले चल रहे हैं, तो अब जो फैसले आने वाले हैं उसका परिपेक्ष क्या देखा जाए, कानूनी रूप से पहलू क्या होगा। मैं आता हूं त्रिवेंद्र जी आपके पास, मैं आता हूं एक मिनट आता हूं, चलिए ठीक है जी। सर मैं ये सोच रहा था कि जैसे मैं ये कह रहा था जैसे शिवपाल भाई है, ये 14 तारीख को वहां से निकलना चाह रहे थे, ठीक है, जब तक कोई उपद्रव नहीं था, कोई दंगा फसाद नहीं था, कोई आंसू गैस के गोले नहीं थे, क्यों शिवपाल भाई 14 तारीख को, लेकिन आश्रम घेर रखा था, चारों एक मिनट घेर रखा था इनको, एक मिनट आपको डर लगा वहां पे, आपको इस माहौल में थोड़ी सी जैसे दिक्कत हुई, नहीं लगा सर, पीट रहे थे वो, मारे थे 14 तारीख को पीट रहे थे, आप प्रूव कर सकते हैं इस बात को, बिल्कुल, जो अनुयायी वहां पर जा रहे थे उन पर लाठियां मार रहे थे, गलत कह रहे हैं, इंटरव्यू देखिए अनुयायियों के, आप गलत कह रहे हैं, लाठियां मार रहे थे, आप देखिए ना, आप सच को सामने खुद नहीं आने देना चाहते, आप सीबीआई की डिमांड करते हैं और आप सच को खुद सामने नहीं आने देना चाहते, एक जैसे गरीब मजदूर आदमी को बंधक बना के रखा हुआ था वहाँ पे, स्वयं कह रहे बंधक कोर्ट माननीय न्यायालय भी इस चीज से संत रामपाल जी महाराज को बरी कर चुका है, वो निकलना चाह रहे थे, मेरी बात सुनिए, आप सुनिए, वो निकलना चाह रहे थे, उनके टीवी पे बयान है, वो निकलना चाह रहे, ठीक है एक एक करके प्लीज, एक एक करके दुखी पीड़ित आदमी को बरगलाइए मत, जो सच है वो उन्होंने बयान किया, सच उन्होंने बयान किया कि भाई मैं 14 तारीख को वहाँ से निकलना चाह रहा हूँ, बयान और 14 तारीख को हमें निकलने नहीं दिया गया, कोई कंप्लेंट नहीं करे, उसको क्यों नहीं मानता, ये करते करते 17 तारीख तक इन्होंने, अच्छा ठीक है गिरीश जी, त्रिवेंद्र जी एक सवाल, ठीक है गिरीश जी ठीक है त्रिवेंद्र जी, ठीक है जरा एक मिनट, सरकार की सोची समझी सारी चल रही है कि किसी तरह से संत रामपाल जी महाराज के सत्य को छुपाया जाए, उनको झूठे मुकदमे फंसाया जाए, क्योंकि शिवपाल भाई जो कि अब ये कह रहे हैं कि मैंने कोई संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कराई, क्यों नहीं मानते इस चीज को, ठीक है जरा जवाब ले लेते हैं, ठीक है जरा जवाब ले लेते हैं त्रिवेंद्र जी, ठीक है गिरीश जी ठीक है, प्लीज सत्रह अठारह ग्यारह चौदह को कुछ लोग संत रामपाल दास जी के समर्थक जंतर मंतर पर सीबीआई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, वहां धरना दे रहे थे, उन लोगों को भी जो वहां थे, 17 को भी वहां थे और 18 11 14 को भी वहां थे, उन्हें भी बाद में, जो घटना वाले दिन थे ही नहीं वहां, उन लोगों को भी वहां गिरफ्तार किया गया बाद में और उनको भी 950 लोगों में शामिल किया, जबकि हमने दिल्ली पुलिस से सीसीटीवी फुटेज, जो दिल्ली पुलिस है वो संसद मार्ग की और वहां उस जंतर मंतर वाले मार्ग की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कराती है अपनी वीडियोग्राफी कराती है, हमने दिल्ली पुलिस से वीडियोग्राफी मांगी, उन्होंने वीडियोग्राफी कोर्ट में रखी, कोर्ट में भेजी कि ये लोग आप पहचान लो, इन 950 लोगों में ये लोग तो उस दिन 18 11 14 को जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, अपना ज्ञापन दे रहे थे, उन लोगों को भी 18 11 14 की घटना में झूठा अरेस्ट किया गया, उन पर मुकदमे लगाए गए, अब इससे बड़ा क्या सबूत हो ठीक है जरा जवाब ले लेते हैं त्रिवेंद्र जी, एक सवाल तो ये कि जैसा शिवपाल जी का कहना है कि वो नहीं चाहते थे किसी भी तरीके से इस मामले पर शिकायत करना, तो आखिर उसके बाद
क्यों उनका जबरदस्ती ब्लैंक पेपर पर उनके साइन करवा लिए जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता कि ब्लैंक पेपर पे इनकी मर्जी के खिलाफ जो है ना साइन करा लिए गए या धोखे से साइन करा लिए गए। सामने बैठे पूछिए इनसे, पहले 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 चार साल से पेंडिंग आपका जरूरी है क्या बीच में बोलना? ठीक है, मैं जब बात कर रहा हूँ ना तो आप सुनिए ना, ठीक है, आप मुझे भी तो अपनी बात कहने का। ठीक है ठीक है, एक एक करके एक एक करके। भाई इनका जो है ना मामला, इन्होंने कहा कि भाई अभी जो है ना मैं उसमें केस में केस दर्ज नहीं कराना चाहता था मुझे अनजाने में, लेकिन चार साल पुराना है, चार साल पहले क्यों नहीं इन्होंने बताया? 2015 में आप पढ़िए, देखिए जरा डॉक्यूमेंट देखिए, 2015 का दबाया, इसको हाई कोर्ट में ये इनको, लगा चुके हैं, अपने बयान बदलने की जरूरत नहीं होती, ये लगा चुके हैं बाबा के, ऐसे अनुयायी हैं बहुत सारे हैं जिस टाइम पे जो लोगों को बोलने नहीं देते, सिर्फ अपने मन माफिक वो कोर्ट में दलीलें पेश करते हैं जी, ये प्रमाण देखिए, और बहुत सारे ऐसे नकली प्रमाणों के साथ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गिरीश जी सरकार पर मिथ्या आरोप बड़े आराम से, आप जनता को ये एफिडेविट पढ़ के सुनाइए, सरकार को न्यायालय का आदेश जो है ना उसको मानना होता है और मनवाना होता है। मेरी बात सुनिए, आप जनता आप को सरकार आप न्यायालय में विश्वास नहीं करते, क्या लिखा हुआ है आप? अच्छा ठीक है, जरा 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 थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तहत चलाना चाहते हैं वो सब नहीं चलने वाला, ठीक है, न्यायपालिका न्यायपालिका के नियम से चलती है, आपके शोर मचाने से न्यायपालिका पर असर नहीं होता। एक चीज बताइए, ये तो प्रशासन और न्यायालय अपने सरकार अपने हिसाब से चलाना चाहती है, आप ये देखिए ना एफिडेविट, आपके सामने सारे प्रमाण है, आप पढ़ के सुनाइए जनता को, आप कोर्ट प्रोसीडिंग के डॉक्यूमेंट दिखाइए जनता को, आप बताइए उसके बारे में। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ठीक है, भी दिखा सकते हैं, ये प्रमाणित है, नोटरी लगी हुई है, आप देखिए इसमें स्टैंप लगी हुई है, ये कागज का टुकड़ा नहीं, कागज का टुकड़ा नहीं, क्या आपको ये तो कोर्ट डॉक्यूमेंट, आप जिस डॉक्यूमेंट का टुकड़ा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के द्वारा रजिस्टर्ड है, ये गिरीश जी सुनिए बात, कागज का नहीं, मैं सुन रहा हूं आपके कागज, ठीक है जरा एक एक करके प्लीज, एक एक करके एक एक करके एक एक करके, पाजी महाराज के अनुयायी लगातार 10 सालों से सुनते आ रहे हैं, ऐसे सोच मचा के झूठ को सच नहीं कर सकते, कोई उनकी सुनवाई नहीं, सच आहिस्ता भी बोलेंगे तो सच आपकी सुनी जाएगी, करना अन्याय है, ठीक है पूर्वक तरीके से, ठीक है अपनी दलील कोर्ट में रखिए ना, ठीक है आप अपनी दलील कोर्ट में रखिए ना, आवाज दबाना चाहती है जनता की, ठीक है दबा दीजिए, ठीक है गिरीश जी एक मिनट, आप सरकार की आवाज बोल रहे हो, किसने दबाया, लाठियां तोड़ी है आपने, सरकार को दबाने का, ठीक है गिरीश जी एक मिनट, मैं जरा एपीसी एपीसी के से भी जरा एक सवाल है, ठीक है ठीक है, प्रवक्ता को दबा रहे हो, आप सरकार के ऊपर मिथ्या आरोप लगा रहे हो, न्यायपालिका पर सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं, आप शिवपाल जी को भड़का के लिए आए, भड़का नहीं अपने आप उन्होंने एफिडेविट दिया, उन्होंने 14 तारीख से निकलना चाह रहे थे, मेरी बात सुनिए, एक एफिडेविट होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एफिडेविट की वैल्यू होती है कि उसमें जो बंदा एफिडेविट देता है वो शपथ लेता है कि मैं किसी के दबाव में कोई तथ्य नहीं कर रहा हूँ, ये आप देखिए ना, क्या नारायण साईं ने ऐसे एफिडेविट गवाहों से नहीं लिए, आप क्या आशाराम के अनुयायियों ने नहीं लिए, ऐसे एफिडेविट बनवाती हो, राम रहीम के अनुयायियों ने ऐसे एफिडेविट नहीं दिखाए, आपके सरकार, मैं जो कह रहा हूँ ऐसे एफिडेविट बनते हैं, ऐसे एफिडेविट बनवाती है, बिल्कुल आपने एक्सेप्ट कर लिया, एफिडेविट में दम, त्रिवेणी जी भी कह रहे हैं कि ऐसे एफिडेविट हमारी सरकार बनवाती है, जो फर्जी होते हैं आप बनाते हैं, इस तरह से आपने कंप्लेंट भी बनाते हैं, इस तरीके के मैं, ठीक है ठीक है, जरा थोड़ा चल, ठीक है ठीक है, जरा एक्सेप्ट करिए, आपने अभी ये बात एक्सेप्ट करिए कि इस तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट बनते हैं, कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब आपकी सरकार इस तरह के फर्जी एफआईआर कटवाती है, ठीक है ठीक है, जरा 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 थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गिरीश जी, ठीक है ठीक है, त्रिवेंद्र जी ठीक है ठीक है, गिरीश जी एक मिनट, ठीक है गिरीश जी एक मिनट, ठीक है ठीक है, जरा आराम से, बहुत शांति से, बड़ा आराम से, बहुत चर्चा आराम, बड़े आराम से करनी है चर्चा, झूठ बोल रहे हैं क्या, बहुत आखिरी आखिरी पड़ाव पर खड़े होते हैं, फाइनल कमेंट ले लेते हैं, फाइनल कमेंट ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे एफिडेविट फर्जी बनते हैं, आपकी सरकार बनवाती है, आपने फर्जी बनाए हुए हैं, बिल्कुल आप जो है इस चीज को खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं, आपके एफिडेविट फर्जी है भैया, प्रशासन ने आपके एफिडेविट फर्जी है, आपके एफिडेविट में अगर दम है आप इसको तो आप कोर्ट में ले जाइए, इसकी आरटीआई लगाइए, इसको चेक कराइए, लो आप इसको नहीं, ठीक है जरा 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 आगे बढ़ते हैं, ठीक है गिरीश जी ठीक है, ये कह रहा हूं, ठीक है त्रिवेंद्र जी एक मिनट, एफिडेविट को आप इसको कोर्ट में ले जाइए, आप इसको चेक करवाइए, नहीं ठीक है गिरीश जी, बड़े आराम से इसमें हाई नहीं बिल्कुल प्लीज एक मिनट, आराम से एक मिनट, ठीक है अरे भाई ऐसे ही कोई एक्सेप्टेशन होती नहीं है जो है, इनकी देखिए बहुत सौम्य तरीके से, बहुत आराम से, गिरीश जी मेरी बात सुनिए आराम से, बहुत आराम से, त्रिवेंद्र जी बहुत आराम से, ठीक है, एपीसी कहने का मतलब ये है, अगर देखिए हमें कोई पर्सनली ना इनसे ना इनके संत रामपाल जी से कोई पर्सनली हमारा
कोई कंट्रोवर्सी थी, ना है ना रहेगी। हमारे तो मतलब कहने का ये है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सरकार को मेंटेन करनी होती है, सरकार वो कार्य कर रही और सरकार ने किया भी। उसके चलते एक वाक्य पूरा कर लेने दीजिए। सवाल करता हूँ दीप त्रिवेणी जी, आप इन तथ्य, नाम दरविंदर सैनी है भैया, जो भी है, आप एक चीज बताइए, आप इस तथ्य पे क्यों नहीं जाते कि जब 19 तारीख तक बेड रेस्ट संत रामपाल जी महाराज को दिया था, प्रशासन ने 18 तारीख को आश्रम पे हमला क्यों किया, क्यों एक्सपायरी गैस के आंसू गोले जो है आश्रम में दागे? लालू प्रसाद यादव जी सजा होने के बाद भी मेडिकल ड्यूटी आप अपने लिए बुआ रहे हैं वहाँ पे, इसका उदाहरण दीजिए मुझे। अरे जितने भी भाई ये डेरा प्रमुख थे ना, इन लोगों ने अपना नया संसार बना लिया था, लाखों लाख कार्यकर्ता इनके हो गए, इनको घमंड हो गया, इन्होंने न्यायपालिका को धता बताते हुए, इन्होंने प्रशासन ने सुनिए सरकार को, संत रामपाल जी सरकारों को दबाने का काम किया। ऐसे संत रामपाल जी अगर सही महाराज के सत्य को दबाना चाहा, सत्य का साथ देना चाह रहे थे, झूठे मुकदमे कोर्ट के समक्ष पेश होना चाहिए था। बिल्कुल, उन्होंने आप बताइए ना, आप एक प्रमाण दीजिए, उन्होंने मना किया। आप गुरुजी, आपके गुरुजी ने कब कहा कि हम शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे हैं? आप 19 तारीख तक समय मांग करके अपने लाखों लाख अनुयायियों को वहाँ पे बुला लीजिए, अंदर से गोली चलवा दीजिए, बगदाद में तबीयत मरती है उनका इल्जाम सरकार पर ठुकवा दीजिए। आपकी प्लानिंग दूसरी है, सरकार ने किसी तरह के आप कानूनी प्लानिंग का हिस्सा जो लोग जंतर मंतर पे थे, ठीक है, आप जंतर मंतर में से जरूर एक हो सकते हैं, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। सरकार के द्वारा दिया गई मामले में अब और भी बहुत सारे फैसले आने बाकी है, ऐसे में ठीक है, ठीक है, झूठे बनाए जाते हैं आप, बना रहे हो आपने, बनाए वीरेंद्र जी बना करके आप मीडिया में, जानते हो कि आपकी सरकार झूठे तथ्य बनाती है, एंकर साहब इस चीज को इसीलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लीज एक गिरीश जी एक मिनट, बहुत आराम से, बहुत सुन रहे, आप बात सुनिए, आप गिरीश जी आप नहीं सुन रहे, आप झूठ थोपना चाह रहे हैं, झूठ नहीं थोपेगी, आप इसको चेक कराइए, ये प्रमाण है, क्या झूठ है इसमें, आप इसको चेक कराइए, मैं आपके सामने आप जो कहेंगे वो करने को तैयार हूँ, आप इसको ऐसे ही झूठा कह देंगे, आप कोर्ट में कीजिए ना भाई, कोर्ट में झूठ का सच्चा करिए ना, आप कोर्ट पे विश्वास नहीं करते, आपके वकील अविश्वास प्रस्ताव करते हैं न्यायालय के खिलाफ, सुनो तो, ठीक है, आपने इस कागज को गुरु नहीं मानते कोर्ट को, शिवपाल तो सामने बैठा है ना, सरकार को नहीं मानते आपके गुरु, शिवपाल भाई की बात हमने सुनी है, मामला हमारे हमदर्द, आप सुनते हो, इनके मामले में हमारी हमदर्दी है, करते हो जो आपके मन में आती है, आप बोल रहे हैं, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं, आप बोलते रहिए तो वो सच नहीं हो जाएगा, चलिए ठीक है, शिवपाल से हमदर्दी है, आपकी पार्टी को हमदर्दी है, हमारी हरियाणा की जनता को हमदर्दी है, इसकी पत्नी से हमदर्दी थी, निर्दोष व्यक्ति से, इनके ये तो निर्दोष है ना, ये तो निर्दोष है, इनकी पत्नी निर्दोष थी ना, तो उसके साथ हमदर्दी, तो आप सीबीआई की जांच के लिए पार्टी आपकी लिखेगी, देखिए भाई आप लिखिए, पार्टी के द्वारा लिखवाइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पावर है, वो सीबीआई जांच करा सकते हैं, देखिए रियान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की एक मौत के खिलाफ सीबीआई हुई, उसमें आपके पहले दूध और पानी का पानी किया, आप सुनिए, उसमें पहले आपकी जांच में बिल्कुल दूध और दूध पानी का पानी कर दिया, पहले पुलिस आपकी, पहले पुलिस उसको ड्राइवर को दोषी बना रही थी, आपकी हरियाणा पुलिस उस दोष ड्राइवर को मुलजिम बना रही थी और फांसी पे चढ़वा देती उस ड्राइवर को, ऐसे ही ये ऐसा माहौल आपने बना दिया था, ऐसा ही इन जैसे भाई चल रही थी, ऐसे ही जैसे भाई भी जो पहले संत रामपाल के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे और निकला, और ऐसे ही अनुयायियों के तहत उनको डरा दबा कर उनके सीबीआई जांच के लिए आप क्यों नहीं कह देते, आप कहे ना, यदि आपको लगता है, यदि आपको लगता है सरकार को अगर कोई ऐसा तथ्य लगेगा उसमें तो लेकिन ये मामला हादसे का है और हादसे की पूरी रिकॉर्डिंग है, बकायदा उस हादसे में कौन कौन कैसे आहत हुआ, कौन कैसे, ठीक है, जरा जरा अब आगे फाइनल कमेंट, क्योंकि चर्चा अपने आखिरी पड़ाव पर है, मैं बहुत जल्दी जल्दी से संक्षेप में सभी की राय लेना चाहूंगा, अब एपी सिंह जी क्या अब इस मामले पर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कई मामले ऐसे हैं, क्योंकि आज भी एक भ्रम या फिर कह लीजिए कि एक ऐसी तस्वीर है कि कई मामलों में जिसमें संत रामपाल जी महाराज बरी हो चुके हैं उसको लेकर भी बहुत सारी अभी कंफ्यूजन लोगों के बीच दिमाग में है, क्या उसको क्लियर करना चाहेंगे, क्या बताना चाह रहे हैं आप?
देखिए सबसे बड़ी बात है जब सीबीआई की बात, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, जांच निष्पक्ष की मांग इसमें आज प्रवक्ता महोदय ने भी की और सब समर्थक कर रहे हैं। तो जैसे में रियान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में हरियाणा पुलिस ने एसआईटी ने पहले एक ड्राइवर को दोषी बना दिया, उसके खिलाफ मोमबत्तियां जलने लगी, अगरबत्तियां जलने लगी, आंदोलन होने लगा, फांसी की मांग होने लगी कि फांसी दो फांसी दो। लेकिन जब सीबीआई के पास जांच पहुंची, सीबीआई ने निष्पक्ष तरह से जांच की, जांच करने के बाद पता चला ये ड्राइवर तो निर्दोष है, वहां तो दोषी और है, दूसरे पकड़े, इसलिए निष्पक्ष। ठीक है, जरा गिरीशी की बात, 429/30 429/14 जो विटनेस हैं, कंप्लेनेंट हैं, जिनकी पत्नी की हत्या हुई है, वहां मरी हैं, ठीक है, जल्दी से जल्दी पुलिस के द्वारा हुई है, उसकी सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, ठीक है, यानी कि सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, तो न्याय मिले, न्याय सबके लिए। गिरी जी बहुत जल्दी से, चंद सेकंड में जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए हमारा तो सिंपल इसमें है कि भाई सरकार जो झूठे मुकदमे संत रामपाल जी महाराज पर बने हैं, समय रहते उनको वापस करे, नहीं तो आने वाले इलेक्शन में सरकार का बहिष्कार करेंगे और जो भी अनुयायियों की वोट है कोई एक वोट सिंगल नहीं जाएगी और ना अपने परिवार को बीजेपी पर वोट डालने देंगे। ठीक है त्रिवेंद्र जी, पूरा जो है, ठीक है त्रिवेंद्र जी, सीबीआई जांच की मांग उठ रही है, क्या करवाएगी, क्या करवाएगी सरकार सीबीआई जांच? मताधिकार का अधिकार सभी को है, नहीं सीबीआई जांच करवाएगी सरकार शांतिप्रिय तरीके से उसका यूज करेंगे। ठीक है यानी कि अभी क्लियर नहीं है। सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही, नमस्कार।